अगर हमारे मन में शांति नहीं है तो इसका मतलब यह है कि हम यह भूल चुके हैं कि हम सब एक दूसरे के हैं। कहते हैं दुनिया में अपने लिए तो सब जीते हैं, लेकिन जो अपने स्वार्थ को पीछे छोड़ दूसरों के लिए काम करता है वही महान कहलाता है। ऐसे व्यक्तियों का पूरा जीवन प्रेरणादायक होता है। इन्हें मरने के बाद भी लोग दिल से याद करते हैं। ऐसे ही एक महान हस्ती का नाम है मदर टेरेसा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित की गई मदर टेरेसा का आज यानी 26 अगस्त को जन्मदिन है। अपना पूरा जीवन गरीबों, लाचारों, बेसहाराओं, मानवता की सेवा में समर्पित करने वाली संत मदर टेरेसा का जन्म साल 1910 में मैकेडोनिया में हुआ था। वे कैथोलिक नन थीं जिन्होंने साल 1948 में भारत की नागरिकता प्राप्त कर ली थी। मदर टेरेसा अपने बेहतरीन विचारों और समाज सेवा के लिए भी दुनिया भर में पहचानी जाती रही हैं। 20वीं सदी में जन्म लेने वाले लोगों को सदा इस बात का गुरूर रहेगा कि उन्होंने उस दौर में जन्म लिया है जिसमें मदर टेरेसा जैसी महान विभूति इस दुनिया में थी। मदर टेरेसा को 20वीं सदी की फ्लोरेंस नाइटिंगेल भी कहा जाता है। आइए जानते हैं उनके कुछ प्रेरक विचार के बारे में। निस्वार्थ भाव, दया भाव, प्रेम की मूर्ति मदर टेरेसा ने अपना पूरा जीवन दूसरों की सेवा में लगा दिया। मदर टेरेसा के अंदर अपार प्रेम था जो किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बल्कि हर उस इंसान के लिए था जो गरीब, लाचार, बीमार, जीवन में अकेला महसूस करता था। महज 18 साल की उम्र में ही नन बनकर उन्होंने अपनी लाइफ को एक ही नई दिशा दी। मदर टेरेसा भारतवासी नहीं थी, लेकिन जब वे भारत पहली बार आईं तो यहाँ के लोगों का प्रेम भाव देखकर उनसे प्रेम कर बैठी, जिसके बाद उन्होंने यहीं अपना जीवन बिताने का फैसला लिया। उन्होंने भारत के लिए अभूतपूर्व कार्य किए। मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त 1910 को हुआ था। इनका नाम अग्नेस गोंजा बोयाजीजू था। इनके पिता एक व्यवसायी थे जो काफ़ी धार्मिक स्वभाव के थे। वे हमेशा अपने घर के पास वाले चर्च जाया करते थे और यीशु के अनुयायी थे। साल 1919 को इनकी मौत हो गई, जिसके बाद मदर टेरेसा को उनकी माता ने पाला था। पिता के निधन के बाद मदर टेरेसा के परिवार को आर्थिक परेशानी से गुजरना पड़ा, लेकिन उनकी माता ने बचपन में ही मदर टेरेसा को अच्छी शिक्षा दी थी उन्होंने उन्हें हमेशा मिल बांट कर खाने की शिक्षा दी। उनकी माँ का कहना था कि जो कुछ भी मिले उसे सबके साथ बांट कर खाओ। कोमल और साफ मन की मदर टेरेसा अपनी माँ से पूछती, वह कौन लोग हैं, किन लोगों के साथ हम मिल बांट कर खाएं? तब उनकी माँ बोलती हैं, कभी हमारे रिश्तेदार तो कभी वे सभी लोग जिन्हें इसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। अपनी माँ की ये बात अग्नेस के कोमल मन में घर कर गई और उन्होंने इसे अपने जीवन में स्वीकार कर लिया। इसी के चलते वे आगे चलकर मदर टेरेसा बन गई। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। नमस्कार।